नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 18 मार्च। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा अध्यक्ष के गुस्से के बाद सम्राट चौधरी ने मांगी माफी। पंचायत चुनाव में शिक्षकों को दी जा सकती है ड्यूटी। बिहार विधान परिषद में अशोक चौधरी और प्रेमचंद्र मिश्रा की हुई भिड़ंत। बाहर से आने वाले लोगों को अब एयरपोर्ट पर ही लगाया जाएगा टीका। ICC की ताजा रैंकिंग में विराट कोहली निकले आगे। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने निकाली रिक्तियां। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लखनऊ ने असिस्टेंट मैनेजर, स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर, मैनेजर सिविल, मेंटेनर इलेक्ट्रिकल, मेंटेनर SNT के कुल मिलाकर 292 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों का 10वीं पास होना और संबंधित ट्रेन में ITI, पॉलिटेक्निक, BE या BTEC 60% अंकों के साथ होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट lmrcl.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। मधुबनी के सौराठ में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मधुबनी का सौराठ जगह दो चीजों के लिए प्रसिद्ध है। एक है सोमनाथ मंदिर, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग गुजरात के सोमनाथ से लाई गई है। सौराठ का नाम भी गुजरात के सौराष्ट्र से मिलता जुलता है। सोमनाथ से शिवलिंग लाए जाने के कारण इस जगह का नाम सौराठ पड़ा, जो सौराष्ट्र का ही अपभ्रंश है। दूसरा है प्रसिद्ध सौराठ सभा में शादी के लिए इच्छुक वर वधु के परिजन जुटते थे। आषाढ़ में लगने वाले इस सभा में प्रतिवर्ष देश विदेश से लाखों ब्राह्मण पहुंचते थे। इसमें वैवाहिक संबंध तय होते थे, बिना किसी तामझाम और दहेज के शादी होती थी। पंचायत चुनाव में शिक्षकों को दी जा सकती है ड्यूटी। राज्य के सभी शिक्षक चुनावी ड्यूटी के लिए तैयार रहें। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए नया निर्देश जारी किया है, जिसके अनुसार पंचायत चुनाव में जरूरत महसूस होने पर शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी तैनात किया जा सकता है। आयोग के अनुसार सभी जिलों में यह निर्देश दे दिया गया है कि मतदान कर्मियों की अधिक आवश्यकता महसूस हो सकती है। ऐसे में शिक्षकों के अलावा स्थानीय प्राधिकारों के कर्मियों को भी चुनावी ड्यूटी की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा इस बार हुए विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान जिन संस्थाओं के कर्मियों को तैनात किया गया था, उन्हें भी पंचायत चुनाव में अपनी सेवा देनी पड़ सकती है। निशुल्क शिक्षा नहीं देने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। पटना हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को स्नातकोत्तर स्तर तक निशुल्क शिक्षा नहीं देने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल जीतन राम मांझी की सरकार ने एक फैसले के तहत साल 2014 में SC ST वर्ग और महिलाओं को स्नातकोत्तर तक की शिक्षा में किसी भी तरह की फीस नहीं लेने की बात कही थी, जबकि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में आर्थिक क्षति का हवाला देते हुए हर वर्ष नामांकन के समय इनसे शुल्क लिए जाते हैं। जिसके बाद इस लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को इस संबंध में पूरी जानकारी देने को कहा है। राज्यपाल कोटे से मनोनीत 12 MLC के नाम आए सामने। राज्यपाल कोटे से भरी जाने वाली 12 सीटों के लिए नामों की सूची बीते दिन आधिकारिक रूप से जारी कर दी गई है, जिसके तहत राज्यपाल की तरफ से जो सूची जारी की गई है उसमें अशोक चौधरी, जनक राम, उपेंद्र कुशवाहा, रामबच्चन राय, संजय कुमार सिंह, लालन कुमार सराफ, राजेंद्र कुमार गुप्ता, संजय सिंह, देवेश कुमार, प्रमोद कुमार, घनश्याम ठाकुर और निवेदिता सिंह का नाम शामिल है। इसी के तहत भाजपा और जदयू ने 6-6 सीटों को साझा की है। वहीं बीते दिन ही सभी MLC ने शपथ ग्रहण भी किया। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए स्थापित किए जाएंगे मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट। बिहार में जल्दी अपराधियों पर नकेल कसने के लिए विशेष तैयारी की जा रही है। इसको लेकर बिहार के कुल 28 जिलों में चलंत विधि विज्ञान इकाई की स्थापना की जाएगी। इस चलंत विधि विज्ञान इकाई में 4 की संख्या में फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी मौजूद रहेंगे, जो जिलों में कहीं भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के समय पर चलंत विधि विज्ञान इकाई की तरफ से साक्ष्य जुटाने में मददगार साबित होंगे। इसको लेकर ही पुलिस मुख्यालय की तरफ से बिहार के सभी 9 पुलिस रेंज में फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष के गुस्से के बाद सम्राट चौधरी ने मांगी माफी। बिहार विधानसभा में चल रहे बजट सेशन के दौरान कई मौकों पर बवाल देखने को मिल रहा है। वहीं अध्यक्ष की लाख चेतावनी के बाद भी बुधवार का दिन भी काफी हंगामेदार रहा। दरअसल बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री में कहासुनी हुई, जिसके बाद अध्यक्ष ने गुस्से में सदन को ही स्थगित कर दिया। एक सवाल के जवाब में दोनों ही आपस में भिड़ गए, जिसके बाद मंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें कहा कि ज्यादा व्याकुल ना होइए, जिसके बाद विजय सिन्हा ने उनसे शब्द वापस लेने की बात कही, मगर मंत्री ने बोलना जारी रखा। हालांकि बाद में सम्राट चौधरी ने अपनी इस हरकत के लिए माफी भी मांगी। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे शेखर सुमन की। शेखर सुमन एक भारतीय फिल्म अभिनेता, एंकर, निर्माता, निर्देशक और गायक हैं। शेखर सुमन एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं, जिन्होंने शंख कपूर द्वारा निर्मित रेखा के विपरीत मैग्नम ओपस UTSAV के साथ फिल्मों में एक अभूतपूर्व ब्रेक के साथ एक नायक के रूप में शुरुआत की थी। उन्होंने लगभग 35 फिल्मों में काम किया है, जिसमें माधुरी दीक्षित, नाचे मयूरी, संसार,
अनुभव त्रिवेदी, पति परमेश्वर, रणभूमि, चोर मचाए शोर, एक से बड़े एक, भूमि आदि के अलावा मानव हटिया में भी काम किया है। किरण जुनेजा के साथ एक लोकप्रिय धारावाहिक वाह जनाब में भी उन्होंने काम किया था। बाहर से आने वाले लोगों को अब एयरपोर्ट पर ही लगाया जाएगा टीका। बिहार सरकार कोरोना को लेकर अलर्ट मोड में काम कर रही है। इसके तहत ही बिहार में अभी से ही क्वारंटाइन सेंटरों को फिर से शुरू किए जाने की तैयारी होने लगी है। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में बढ़ रहे मामलों को देखते हुए ही पटना एयरपोर्ट सहित बिहार के सभी हवाई अड्डों पर अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान एयरपोर्ट पर उतरने वाले यात्रियों की कोरोना जांच कराई जाएगी। यदि उन्होंने वैक्सीन नहीं ली है तो वैक्सीन भी लगाई जाएगी। बिहार में पंचायत चुनाव से पहले हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। पंचायत चुनाव से ठीक पहले बड़े पैमाने पर प्रखंड स्तर के प्रशासन में फेरबदल किया गया है। इस बाबत बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने कई दागी और आरोपित प्रखंड विकास पदाधिकारी का तबादला कर दिया है। इसके तहत 33 प्रखंडों में नए बीडीओ की पोस्टिंग की गई है। इसके साथ ही कुल 60 अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। ग्रामीण विकास विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार दागी बीडीओ को सहायक परियोजना अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही 33 प्रखंड में नए बीडीओ की पद स्थापना कर दी गई है। बीसीसीआई की सीनियर महिला एक दिवसीय ट्रॉफी में बिहार को मिली जीत। बिहार की सीनियर महिला एक दिवसीय ट्रॉफी का आयोजन में अपने चौथे मैच में ही बिहार ने मणिपुर को 9 विकेट से पराजित कर दिया। बिहार की विशालाक्षी और सृष्टि ने मणिपुर की गेंदबाजों की जमकर धुलाई की। विशालाक्षी ने नाबाद 81 और सृष्टि ने नाबाद 56 रन बनाए। मणिपुर की गेंदबाज विकेटों के लिए तरस गई। वे बिहार की किसी भी खिलाड़ी को आउट नहीं कर पाई। बैंगलोर के एलोर क्रिकेट स्टेडियम में मणिपुर की कप्तान डब्ल्यू गंगा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। मणिपुर ने वाई मिलन के नाबाद 32 रनों पर लिंथोंगमई राजकुमारी के शानदार नाबाद 62 रनों की अर्धशतकीय पारी के सहारे 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 168 रन बनाए थे। बैंक कर्मियों के बाद बीमा कंपनियों ने बीते दिन किया हड़ताल। बिहार में जहां एक तरफ बैंक कर्मियों का हड़ताल देखने को मिला था, वहीं अब बीमा कंपनियों का हड़ताल भी बीते दिन देखने को मिला। बीमा कंपनियों में काम करने वाले लोग भी निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार सार्वजनिक बीमा क्षेत्र की 4 कंपनी नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में भी किसी एक का निजीकरण करना चाहती है। इस बारे में एक बार के बजट सत्र के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था। इस पर बीमा कंपनियों में काम कर रहे लोगों ने अपना कड़ा एतराज जताया है। इस वजह से ही बुधवार को एक दिन का हड़ताल बिहार झारखंड सहित पूरे देश में किया गया था। वर्ल्ड एयर क्वालिटी में बिहार के इस जिले की स्थिति हुई बेहतर। हाल ही में वर्ल्ड एयर क्वालिटी की रिपोर्ट सामने आई है, जिसके तहत बिहार के गया जिले का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। 2017, 18 और 2019 के मुकाबले 2020 में शहर की हवा में गुणात्मक सुधार के संकेत मिलने लगे हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट में देश के प्रदूषित शहरों में गया का नाम शामिल नहीं था। इसके साथ ही बिहार के 4 जिलों में भी गया निचले पायदान पर दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक गया में वायु प्रदूषण स्तर में 2017 के मुकाबले 2020 में 54.87% का सुधार हुआ है। जानकारों की माने यह सुधार कोरोना के कारण ही हुआ है। मुख्यमंत्री परिवहन योजना में गाड़ी लेने के लिए फिर से आवेदन शुरू। परिवहन विभाग बिहार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 8वें चरण के लिए आवेदन करने की समय सीमा को तय कर दिया था, जिसके तहत ही पंचायतवार आवेदन करने की अंतिम तारीख 8 अप्रैल तय की गई। इस योजना की मदद से जुड़कर वंचित लोग अनुदान यानी कि सब्सिडी पर वाहन खरीदकर रोजगार से जुड़ सकेंगे। आवेदन करने के एक महीने में लाभुकों को गाड़ी खरीदने के लिए अनुदान मिलेगा। इस योजना में सरकार ने लाभुकों की संख्या बढ़ाने का निर्णय पिछले साल ही लिया था। इसके तहत 4 SC ST एवं 3 अत्यंत पिछड़ी जाति के लोगों को गाड़ी खरीदने के लिए अनुदान दिया जाना है। पटना गया धोबी नेशनल हाईवे का 2022 तक हो जाएगा निर्माण। पर्यटन के दृष्टिकोण से बात करें तो बिहार में सबसे महत्वपूर्ण पटना गया धोबी नेशनल हाईवे 83 का निर्माण कार्य 2022 में पूरा हो जाएगा। 127.21 किलोमीटर लंबे इस सड़क को बनाने में 5,519 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। हालांकि बीच में इसका निर्माण कार्य किसी कारणवश बंद हो गया था, जिसे दिसंबर 2020 फिर से शुरू किया गया है। 2015 में जब इस सड़क का निर्माण शुरू हुआ था तो 2,264 करोड़ की लागत रखी गई थी, परंतु जमीन अधिग्रहण नहीं होने पर ठेकेदार के स्तर से इसका निर्माण मना करने के बाद यह प्रोजेक्ट अटक गया था। राष्ट्रकवि दिनकर के घर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की उठी मांग। हाल ही में राष्ट्रीय कवि दिनकर को लेकर राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने उनके बिहार सिमरिया स्थित घर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने को लेकर राज्यसभा में प्रस्ताव रखने के लिए महासचिव को पत्र जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि श्रेष्ठ साहित्यकार अपनी रचनाओं से समाज और राष्ट्र को प्रगतिशील बनाता है। रामधारी सिंह दिनकर ऐसे ही एक रचनाकार थे, जिन्होंने आने वाली पीढ़ी को न सिर्फ प्रोत्साहित किया है बल्कि उन्होंने देश और समाज में चेतना जगाई है।
सरकार ने विश्वविद्यालयों के ताकत में की कटौती। बिहार के कई विश्वविद्यालयों की तरफ से की जा रही नियुक्ति में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद अब सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत सरकार ने विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। इसके साथ ही उन्होंने उनका दायरा भी सीमित करने का फैसला ले लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही अब विश्वविद्यालय से प्राचार्य और तृतीय वर्ग के कर्मियों की भर्ती का अधिकार छीन लिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी मनमर्जी से जुड़े कर्मियों की बहाली नहीं कर सकेगा। विश्वविद्यालय की तरफ से अब कॉलेज के प्राचार्य भी नहीं बनाए जाएंगे। मनोनयन के बाद एनडीए में कलह की हुई शुरुआत। राज्यपाल कोटा में एमएलसी मनोनयन के बाद अब एनडीए के अंदर कलह शुरू हो गया है, जिसके बाद हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने सवाल उठाया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि एमएलसी मनोनयन का फैसला सहयोगियों से बातचीत किए बगैर ही लिया गया है। इस फैसले में हम के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। हम प्रवक्ता ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की नजर इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है और जल्द ही कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। विधान परिषद में भिड़े अशोक चौधरी और प्रेमचंद्र मिश्रा। बिहार विधान परिषद में बजट को लेकर चर्चा हुई, हालांकि इस दौरान बिहार विधान परिषद में बजट पर बोलने के दौरान कांग्रेस के विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा और अशोक चौधरी के बीच भिड़ंत देखने को मिली। कांग्रेस के विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि नीतीश कुमार काम से ओवरलोडेड है, इसलिए बिहार में कानून व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है। विधान परिषद में कांग्रेस ने डिमांड करते हुए कहा है कि बिहार को फुल टाइम गृहमंत्री चाहिए, जिसके बाद ही उनकी तीखी नोकझोंक अशोक चौधरी के साथ देखने को मिली, जिसके तहत ही उन्होंने कहा कि प्रेमचंद मिश्रा ही कारण है कि मैंने कांग्रेस को छोड़ा था। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। अनिवार्य और मुफ्त प्राथमिक शिक्षा प्रावधान के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने साल 1910 में ब्रिटिश विधान परिषद के सामने अपना प्रस्ताव आज ही के दिन रखा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने सन 1944 में बर्मा की सीमा आज ही के दिन पार की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2009 में मेघालय में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश आज ही के दिन की थी। 1914 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पूर्व अध्यक्ष एवं भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके नागेंद्र सिंह जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1938 में हिंदी सिनेमा जगत के प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक शशि कपूर का जन्म आज ही के दिन हुआ था। हिंदी सिनेमा की जानी मानी गायिका राजकुमारी दुबे ने 2000 में आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कह दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने पूरे देश में एक बार फिर से 3T की शुरुआत करने की बात की है, जिसके तहत उन्होंने सभी राज्यों में मुख्यमंत्री को टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और ट्रेसिंग को लेकर काम करने की नसीहत दी है। इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को लेकर भी एहतियाती कदम उठाए जाने की बात कही है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री के साथ हुए इस वर्चुअल बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद थे, जहां उन्होंने बिहार में कोरोना की वर्तमान स्थिति को लेकर भी जानकारी साझा की। भीम यूपीआई से डिजिटल लेनदेन में आ रही दिक्कतों का आसानी से करें शिकायत। डिजिटल लेनदेन के लिए भीम यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए अब इस भुगतान प्लेटफॉर्म पर एक नई सुविधा जोड़ी गई है। इस नई सुविधा की मदद से ग्राहक अपने लंबित लेनदेन की स्थिति का पता लगाने के साथ ही शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भीम यूपीआई पर यूपीआई हेल्प को चालू किया है। ग्राहक अपने लंबित लेनदेन की स्थिति का पता लगाने, लेनदेन संबंधी शिकायतों के लिए यूपीआई हेल्प का इस्तेमाल कर सकेंगे। ऐप में मर्चेंट लेनदेन के लिए शिकायत करने की सुविधा भी होगी। आईसीसी की ताजा रैंकिंग में विराट कोहली को हुआ फायदा। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले T20 सीरीज में लगातार 2 हाफ सेंचुरी लगाने का फायदा उन्हें उनके रैंकिंग में मिला है। कोहली अपने दमदार प्रदर्शन के दम पर ही अब टॉप 5 बल्लेबाजों की सूची में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि विराट अभी 744 रेटिंग के साथ 5वें नंबर पर काबिज है। भारत की तरफ से केएल राहुल चौथे स्थान पर है और डेविड मिलान अभी भी नंबर 1 पर विराजमान है। आपकी जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए 30वें T20 मैच में शानदार 77 रनों की पारी खेली थी, हालांकि वो टीम को जीत नहीं दिला सके थे। आमिर खान ने सोशल मीडिया छोड़ने की बताई असली वजह। बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान ने हाल ही में सोशल मीडिया को अलविदा कह दिया था, जिसके बाद अभिनेता के इस फैसले को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। वहीं सोशल मीडिया पर एक्टर के इस फैसले को लेकर भी कई खबरें सामने आ रही थी, जिसके बाद अब आमिर खान ने इसकी असल वजह बताई है, जिसके तहत पेपराजी आमिर खान से सवाल करते हैं कि आपने सोशल मीडिया क्यों छोड़ा। इस पर हंसते हुए वो कहते हैं कि नहीं, वो इसलिए नहीं, कुछ आप लोग अपना थ्योरी मत लगाइए, मैं अपनी धुनकी में रहता हूं, सोशल मीडिया पर हूं कहां मैं, मुझे लगा कि मैं वैसे भी पोस्ट नहीं करता, मैं एक्टिव ही नहीं रहता हूं।
अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 17 मार्च को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 43,960 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,960 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव बीते दिन प्रति किलो 67,000 रुपए दर्ज किया गया। इसके साथ ही अगर हम राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत की बात करें तो यह 93.52 रुपए प्रति लीटर दर्ज की गई है, वहीं डीजल 86.52 रुपए प्रति लीटर दर्ज किया गया। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है श्वेता रॉय, प्रदीप, शिवानी कुमारी, गजेंद्र सिंह, मोहन रॉय, शशिकांत कुमार, दिवाकर सिंह, शैलेंद्र कुमार, साहिर राज, उजाला शेख, अमित कुमार यादव, सुनील पासवान, सफीम भाई, ओमकार सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, कोरोना के दोबारा से बढ़ते माहौल के बीच क्या आप अभी भी कोरोना से बचने के लिए नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।